मध्य प्रदेश में पहली बार दुर्लभ जीव जंतुओं के बारे में 7 स्टेट के एक्सपर्ट्स बताएंगे। इसके लिए शुक्रवार को भोपाल में 2 दिवसीय कार्यशाला शुरू हो गई है। मंथन के साथ साथ जीव जंतुओं के संरक्षण की रणनीति भी बनाई जाएगी। भोपाल वर्ड संस्था और मध्य प्रदेश टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी के सहयोग से SNHC इंडिया द्वारा कार्यशाला आयोजित की जा रही है। संस्था के विकास सिंह बघेल ने बताया कि वन और जलीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले अत्यंत दुर्लभ जीव जंतुओं और शोध कार्य और इस तरह की प्रजातियों पर चर्चा जागरूकता बढ़ाने के लिए लेसर नॉन स्पीसीज ऑफ मध्य प्रदेश पर कार्यशाला शुरू हुई है। यह इफ्को में हो रही है। शुक्रवार की सुबह 11 बजे से इसकी शुरुआत हो गई है। यह 2 दिन तक चलेगी। मध्य प्रदेश के अलावा दिल्ली, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल के एक्सपर्ट्स जानकारी देंगे। यह नेशनल लेवल की कॉन्फ्रेंस होगी। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी मुंबई, WWF इंडिया, टाइगर वॉच राजस्थान, सलीम अली सेंटर फॉर एवं जूलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया आदि संस्थाओं के विशेषज्ञ, वन विभाग के अधिकारी भी कार्यशाला में मंथन करेंगे। 2 दिवसीय कार्यशाला में कैरकल इंडियन वुल्फ, इंडियन स्कीमर, फॉरेस्ट आउटलेट, रिवर डॉल्फिन, लेसर फ्लोरिकन, इंडियन ऑटर, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली बिच्छू एवं सरीसृप प्रजातियों के जीव जंतुओं पर मंथन कर भविष्य में इनके संरक्षण के लिए रणनीति तय होगी। कैरकल जो है वो कैट स्पीसीज में ही आती है। कैरकल हो गया, फिशिंग कैट हो गया, और भी इस टाइप की बहुत सारी कैट्स हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, जो जंगल में है, जंगल कैट है, और बहुत सारी और भी प्रजातियाँ हैं इसकी। इसके अलावा हम अगर उसकी बात करें, जो बर्ड्स की बात करें, तो लेसर फ्लोरिकन पे एक सेशन है हमारा, और एक इंडियन स्कीमर पे है, तो लेसर और एक फॉरेस्ट आउलेट पे है। फॉरेस्ट आउलेट को तो विलुप्त ही मान लिया गया था, और अभी इसी मतलब सेंचुरी में, मतलब जो हम जो 21st सेंचुरी की बात कर रहे हैं, उसमें उसको फिर से रीडिस्कवर्ड स्पीसीज के रूप में माना गया है, और वो आपके खंडवा और ये जो महाराष्ट्र के बेल्ट में है वहाँ पे जो है पाई जा रही है। ये मतलब वहाँ पे स्पॉटेड हो गया है, और इस पर रिसर्च और इसके डॉक्यूमेंटेशन चालू हो गया है, तो उसको हमने कवर किया है। परवीन मैडम जो हैं, जो उस पर प्रेजेंट कर रही हैं, आपका स्कीमर इंडियन स्कीमर पे कर रही हैं। इंडियन स्कीमर भी बहुत लिमिटेड हो गया है, आपको हार्डली चंबल में और सतपुड़ा के कुछ पार्ट में और सोनघड़िया के कुछ पार्ट में देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ जो है वो ऑलमोस्ट जो है बहुत, मतलब पहले बहुत अच्छे बड़े एरिया में आया करते थे और नेस्टिंग उनकी होती थी, लेकिन अभी जो है बहुत लिमिटेड हो गया है। और उसके अलावा ऐसे घड़ियाल है, घड़ियाल में भी हम बस सेंचुरीज में ही उसको सेव कर पा रहे हैं, बाकी आपको ओपन वाटर में आपको कहीं वैसे नहीं मिलेगा, सिर्फ एक लिमिटेड एरियाज ही हैं जहाँ पर वो पाया जा रहा है।